किसी समय पहले एक गांव में एक बकरा रहता था। जितना दिखने में वो सुंदर था, उतना ही वो मस्तीखोर भी था। वो गांव के इधर उधर चरता रहता था। ऐसे ही एक दिन वह बकरा चरते चरते जंगल की तरफ जा पहुंचा। जंगल की मनमोहक सुंदरता देख के उसे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, क्या बात है, कितना सुंदर ये जंगल है। गांव वाले तो कहते हैं कि जंगल बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन ये तो बहुत सुंदर है और ये घास भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। क्यों ना मैं कुछ देर यहीं रुककर घास खा लूं। उस जंगल में एक सियार भी रहता था। उस दिन वह खाना ढूंढता हुआ गांव की तरफ ही जा रहा था। सियार बकरा को देखकर बहुत खुश हुआ। क्या बात है बिड़ू, खाना यहीं खुद चल के आ गया। आज तो किस्मत अच्छी है, बिना मेहनत किए ताजा मांस खाऊंगा। बकरा सियार को सामने देख के डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और सियार से बचने के लिए मन ही मन कुछ उपाय सोचने लगा। कुछ ही देर में सियार उसके सामने आ गया। क्या बात है, मुझे सामने आते देख के तू भागा नहीं। मुझे देख के तो सब डर जाते हैं, तुम्हें डर नहीं लगा? अरे भागने का क्या फायदा, तुम तो मुझे पकड़ ही लेते। उससे अच्छा तो तुम मुझे खा लो, ताकि मुझे थोड़ा पुण्य मिले और मरने के बाद मैं स्वर्ग जाके सबको बता सकूं कि मेरी मौत एक बहादुर सियार के हाथों हुई थी। वाह वाह वाह, तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो मैं शिकार देखते ही मार डालता हूँ, बोलने का मौका ही नहीं देता। मुझे तुम बहुत अच्छे शिकार लगे और स्वादिष्ट भी होगे। बोलो, मरने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? आपका मन दया से भरपूर है, आप दयावान और दिलेर भी हो। एक काम करते हैं, आप मेरी एक घंटी लीजिए और थोड़ी बजाइए, मैं नाश्ता और गाना गाता हूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं बजाता हूँ। ये बोल के बकरे ने अपनी बंसी सियार को दी और सियार भी बंसी बजाने लगा। बकरा जोर जोर से नाचने और चिल्ला के गाने लगा। बकरे की आवाज गांव के लोगों तक पहुंची। गांव के लोग सर पर लाठी उठा के दौड़े। गांव के लोगों को लाठी लेके आते देखकर सियार घंटी छोड़ के फिर से भाग गया। और ऐसे बकरे ने अपनी सूझबूझ से जान बचाई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, हमें अपने दिमाग को वश में करके शांति से और अपनी सूझबूझ से उस समस्या का सामना करना चाहिए।